प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की दशमी के दिन महिलाएं दशा माता का व्रत करती है। दशा माता व्रत मुख्य रूप से घर की दशा ठीक करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य अनुकूल होते हैं, किंतु जब यह प्रतिकूल होती है तब मनुष्य को बहुत परेशानी होती है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए इस व्रत को करने की मान्यता है। बैटमा नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दशा माता पूजन को लेकर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ पूजन स्थल पर बनी रही, जहां महिलाओं ने विधि विधान से दशा माता की पूजा संपन्न की। दशा माता के पूजन के पश्चात गले में पहना गया यह डोरा विशेष महत्व रखता है। यह दशा माता का डोरा कहलाता है, जो कि साल भर गले में पहना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दशा माता का पूजन और व्रत करके तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, ताकि घर में निरंतर सुख समृद्धि बढ़ती रहे। लेकिन यदि आप दशा माता का डोरा साल भर नहीं पहन सकते तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन इसे खोलकर रखा जा सकता है। पूजन के पश्चात नल दमयंती की मार्मिक कथा सुनने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।